आपका स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्नर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप, जैसे कई बार हम एंड्रॉयड मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें शो कर जाता है कि इंटरनल मेमोरी इज इनसफिशियंट इंटरनल मेमोरी, यानी उसको हम चाह के भी उसको डाउनलोड नहीं कर पाते या सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम कई बार हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में फेस करने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसको बताऊँ इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, लेकिन फ्रेंड इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत अच्छा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम आगे आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बना के आपके लिए लेके आते रहें। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आज की ट्रिक्स के बारे में बताया था कि कई बार इंटरनल मेमोरी इनसफिशियंट इंटरनल मेमोरी का मैसेज शो करता है आपके मोबाइल स्क्रीन में जब आप प्ले स्टोर में जाते हो। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए देखो, उसके लिए जो मेन रीज़न होता है फ्रेंड्स, एक तो जो ये आपकी FB व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये जो काफ़ी हैवी स्पेस लेते हैं ये तीनों ही, तो ये तीनों ही जब किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं और जिसकी मेमोरी 1 रैम जो है आपकी कम होती है, तो 1 GB 2 GB, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके आप, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। प्ले स्टोर में जाके फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। इस प्रकार से ओपन करना है आपको प्ले स्टोर को। जैसे आप ओपन करोगे आपको इसमें सर्च में जाके आपको टाइप करना है HERMIT हर्मिट लाइट ऐप ब्राउज़र। ये हर्मिट लाइट ऐप ब्राउज़र, ये देखिए इस प्रकार से इसका आइकन है। आप इसके आइकन को देख लीजिए, जिम्बोरी प्रोडक्शन की तरफ से ये बनाया गया है, और इसको आप ओपन कर लीजिए इस प्रकार से। जैसे आप ओपन करोगे इस प्रकार का जो इंटरफेस है सबसे पहले इसमें आपको शो करेगा। तो इसके बाद फिर क्या है आपको कि आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल में जैसे फेसबुक है, मैसेंजर है, ट्विटर है, तो यूट्यूब है जैसे, तो आप क्या है इनके ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आप ने क्या है कि इनको जैसे सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर इनके लाइट ऐप बनाने हैं। जैसे फेसबुक नॉर्मली आपका 80 से 90 MB तक डाटा, इसी प्रकार मैसेंजर में भी 80 से 90 MB डाटा। तो ये देखिए कितना डाटा ये ले कर देते हैं, तो इसलिए इनकी क्या है लाइट ऐप बना लेते हैं। जैसे इस आप फेसबुक पे इस पर क्लिक करो, इस प्रकार से आपसे ये पूछेगा कि आप श्योर हो, तो आप ओके पर क्लिक करें, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट सक्सेसफुली। मैं आपको स्क्रीन में आके दिखा देता हूँ कि कैसे इस प्रकार से ये सेम जैसा कि देखो पहले मेरे मोबाइल में है, ये है वो जो ऐप भी है, लेकिन अब इसका लाइट जो बनाया है ये, और इसको आप ओपन करके आप चला सकते हो, बिल्कुल सेम आपका फेसबुक चलेगा। और फ्रेंड्स जो आपके पहले ऐप भी है वो आप उसको अनइंस्टॉल कर दे। इस प्रकार आपकी जो ये नया जो सॉफ्टवेयर बनेगा ये आपका 1 से 2 MB का बनेगा, और जो पुराना सॉफ्टवेयर है आपका वो कम से कम आपका 70 से 80 प्लस, इससे ज़्यादा ही वो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इसलिए क्या है काफ़ी स्पेस की बचत होगी, और इस प्रकार जो आप और इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो और उनको लाइट बना सकते हो, और जो आपकी इंटरनल मेमोरी इनसफिशियंट की प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स.